हेलो फ्रेंड्स इस इज आंटल एंड आई वेलकम टू फॉर सेवन सो हियर वी आर विथ वन टॉपिक दैट इज री अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज सो एज यू ऑल नो हंड्रेड्स एंड पीपल हंड्रेड्स ऑफ पीपल थाउजेंस ऑफ पीपल टेल यू हाउ टू सोल्व इट राइट बट आंटल एंड लेस यू प्रैक्टिस दिस यू कैन नेवर एक्सेल इट फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज ध्यान में रख लो कि भाई हजारों लोग आप लोग को बोलते हैं कि आ, इसको प्रैक्टिस करने का ये तरीका है ये ट्रिक है ऐसे सॉल्व करो तो ठीक रहेगा ऐसे सॉल्व करो तो ठीक रहेगा माई थिंक इज सी रीअरेंजमेंट इज होल सॉल बेस्ड ऑन रीडिंग स्किल रीअरेंजमेंट पूरी तरह से आपके रीडिंग स्किल पर डिपेंडेंट है अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो रीअरेंजमेंट एग्जाम में सॉल्व करने लायक भी नहीं है ठीक है अदरवाइज वाई बिकॉज इफ यू इफ यू डोंट हैव योर रीडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग वॉट हैपन्स इन द फ्यूचर इज एग्जाम देते टाइम होगा कि आपके साथ प्रॉब्लम होएगी कि भाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना ये मैंने मार्क किया ये सही है कि नहीं है यार ये वाली पॉसिबिलिटी भी पहले लग रही है ये वाली पॉसिबिलिटी भी पहले लग रही है मैं क्या करूँ सो यू गोइंग टू अ फुल जोन ऑफ कन्फ्यूजन राइट सो उस टाइम पर यह करने से बेहतर है कि हम रीअरेंजमेंट को पहले से ही डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें वेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस डेली एंड यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज पेपर डेली यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ द टर्म्स यू आर अवेयर ऑफ द न्यूज़ एंड देन इट विल बी ईजीअर फॉर यू टू सॉल्व अ रीअरेंजमेंट एज कम्पेयर टू द अदर पीपल राइट चलो अब रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने के दो तरीके हैं एक एलिमिनेशन मेथड है एक लॉजिकल uh, पैर का मेथड है सिमिलरली मशा मैम ने भी आपको अलग अलग मेथड्स पढ़ा रखे हैं uh, रत्नेश सर ने आपको अलग मेथड्स के साथ हेल्प किया है सौरभ सर ने आपको अलग मेथड्स के साथ हेल्प किया है सो वी हैव डिफरेंट आइडियाज जो मेथड आपको ईजी लगे जो मेथड नो मैटर विच मेथड यू फाइंड ईजी आप उस मेथड से रीअरेंजमेंट सॉल्व करिए ठीक है आज जो हम रीअरेंजमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं विल बी सॉल्विंग थ्री डिफरेंट पैटर्न ठीक है हम तीन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न की एज आई सेट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट राइट सो वी नीड टू प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एक्सेल दिस तो वापस से यही बताना कि रीअरेंजमेंट कैसे सॉल्व होगा आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस वॉट वी कैन डू इज वी कैन सॉल्व डिफरेंट पैटर्न अच्छा थ्री डिफरेंट पैटर्न विल बी आस्ट तीन अलग अलग, अलग पैटर्न के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे द फर्स्ट पैटर्न विल बी लाइक वे यू हैव अ स्टेटमेंट सेंटेंस वन इज ऑलवेज ऑलरेडी गिवेन से सेंटेंस एंड को आपको रीअरेंज करना होगा ठीक है आपके पास सेंटेंस वन पहले से दिया हुआ है चार और सेंटें से पहले ऑर्ड निकालो और फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं उसको रीअरेंज करो दिस इज फर्स्ट पैटर्न सेकेंड पैटर्न दैटी अकॉर्डिंग टू सी आपने एग्जाम में देखा होगा स्लैश वाले क्वेश्चन भी रीअरेंजमेंट में पूछे गए राइट स्टेटमेंट इज गिवेन Statement is given in its slashes. It's marked A, B, C, D. जनरली happened ये ऐसा question, क्वेश्चन question आता था तो हम सोचते थे भाई error डिटेक्शन है एरर्स निकालना स्टार्ट कर दो यही चीज एग्जाम में भी बच्चों ने गलती करी थी क्या कि वो एरर्स निकालने बैठ गए थे इसमें क्योंकि पैटर्न एरर का था लेकिन directions इसीलिए कहे जाते हैं कि directions बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था error डिटेक्शन का नहीं सो ए बी सी डी ई ऐसे करके आपको पांच options मिलेंगे सो यू हैव टू select which ऑप्शन विल बी द परफेक्ट यहां पर सीक्वेंस बनाने के लिए लाइक like, बी सी डी ई e, ए इसमें भी आपको पहले एक ऑर्ड निकालना पड़ेगा ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटेंस एंड ऑर्ड निकालने के बाद अगेन रिमेनिंग को आप रीअरेंज करोगे ठीक है रीअरेंज करोगे द आर लेफ्ट एंड द लास्ट पैटर्न दैट विल बी देयर इज द ओल्डेस्ट पैटर्न एवर ठीक है

लॉट ऑफ मनी है गवर्नमेंट बट हुआ क्या गवर्नमेंट ने पैसा लगाया बट दैट वॉज नॉट इफेसियस गवर्नमेंट के लिए वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा पॉइंट नंबर वन से अगर एच डी आई रैंकिंग्स को बेहतर करना है गवर्नमेंट को इफ गवर्नमेंट वॉन्ट्स की एच डी आई रैंकिंग्स या बेहतर हो जाए सो वॉट ड गवर्नमेंट नीड टू डू उनको अपनी माए बाप सरकार चेंज करनी पड़ेगी द कंट्री नीड्स टू चेंज इट्स माइ बा सरकार दैट मीनस नीड्स टू चेंज इट्स गवर्नमेंट कंट्री को अपने गवर्नमेंट को चेंज करने की जरूरत है जो कि रियल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करता है गवर्नमेंट के लिए देन पॉइंट नंबर टू से इंडिया एज अ नेशन परफॉर्म फेली बेटर वेन इट कम्स अबाउट द GDP irrespective of the fact that it stood far behind others in HDI now you're comparing GDP and HDI and saying that India Has not done well in HDI, but it's really doing well in GDP So why to compare these two things? Mm -hmm. We talk about human development index right and if you could judge we have a suggestion here right a Suggestion was given here then question number three see.

अब अगर हम बोले कि अनचेंज है इन द लेटेस्ट यू एनडीपी रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी तक हम एच डी आई यहां लिख रहे हैं एच डी आई यहां लिख रहे हैं एच डी आई यहां लिख रहे हैं द थिंग इज वेर इज द फुल फॉर्म गिवन फुल फॉर्म ऑफ एच डी आई इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर फोर राइट

दिस ऑल्सो सेट नॉट इफेशियस दैट मीन इट वॉज नॉट इफेक्टिव वो बेनिफिशियल नहीं रहा वेन इट वॉज नॉट इफेक्टिव हाउ कैन यू सेट हाउ कैन समबड डी सेट इट वॉज नॉट इफेक्टिव कैसे कोई कह सकता है कि ये इफेक्टिव नहीं है बिकॉज वी हैव रीजन बिकॉज वी हैव रीजन एंड दैट हाउ इज गिवन इन ऑप्शन नंबर फोर्थ दैट सेज इंडिया प्लेस हैज रिमेन अनचेंज्ड अगर ये इफेक्टिव होता हे दिस बीन इफेक्टिड सो एच डी आई वुड हैव इंक्रीज

है 180 कंट्रीज में से जो कि पैलेस्टाइन से भी बर्बाद है दैट मीन्स पैलेस्टाइन तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बॉम्बार्डमेंट हो रही है गोला बहाूद हो रही है अटैक हो रहे हैं इतने सारे उससे भी बर्बाद इस कंट्री के हाल हैं एंड द लास्ट सेंटेंस विल ऑब्वियसली भी हमने यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस करी यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस कर ली वी हैव डिस्कस्ड प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट टू सेंटेंस लाइक फोर्थ एंड थर्ड सो ऑब्वियसली नाउ विल बी गिविंग अ सजेशन एंड सजेशन कम्स इन ऑप्शन नंबर वन सजेशन आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर वन में कि कैसे आप इस रैंक को बेहतर कर सकते हो हाउ कैन यू इंप्रूव दिस रैंक हाउ कैन यू चेंज दिस रैंक सो हाउ कैन यू डू दैट द सजेशन इज गिवन इन ऑप्शन नंबर वन वी नीड टू चेंज आर गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबट एनीथिंग रिलेटेड टू जी डी पी और एच डी आई एच डी आई की तो बात करें बट जी डी पी की बात नहीं कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सो डज मेक अ सेंस सो हमारा ऑड सेंटेंस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा योर ऑड सेंटेंस इन एनी केस विल बी ऑप्शन नंबर टू एंड योर सीक्वेंस विल बी स्टेटमेंटेंस नंबर नंबर टू ठीक है सो दिस क्वेश्चन की तरफ दूसरा पैटर्न जो होगा आपके सामने अब आएगा लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एंड देट विल डेफिनेटली पैटर्न ओके It made me want to... See, this pattern is pattern. The oldest pattern that we had. It made me want to dig into culture get, to get a grasp of men's thinking process. So, option number A says what? It's talking about it made me. It made me dig into. So, what made you or what made somebody? It. Ye liye diya? We don't know. This will not be the first sentence. Then, even when the laws were made more stringent in India, it did not... It did nothing to do deter to deter crimes against women. Again, even when. Even when tabla when you have to emphasize something. So emphasize tab when you already mentioned something, right? So again, this cannot be your first sentence. Then again, option number C says that allows men to think and do whatever they please with a woman to her body, mind, thoughts, or psyche. So yeah, again, that say you cannot start a sentence. Then D say i think it shook the collective conscience of the nation i started looking at the culture okay now it again who is this it you don't know then it says option number e when nirbhaya happened it shook something in me jab nirbhaya kaan hua when nirbhaya case happened nirbhaya case happened it shook in something inside me mere andar kuch, uh, bahut zyada deep impact dekhe gaya. so option number e can definitely start a sentence using uh, nirbhaya

बद एन ऑफ बद इन ऑप्शन ऑफ डी इट द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द नेशन सिर्फ मेरे अंदर नहीं पूरे नेशन की कलेक्टिव कॉन्शियस को उसने हर्ट किया था आई स्टार्ट लुकिंग एट द कल्चर उसी के साथ उसने कल्चर स्टार्ट कर कल्चर को देखना स्टार्ट कर दिया आई स्टार्टेड लुकिंग एट द कल्चर वॉट लुकिंग एट द कल्चर दैट अलाउज टू ऑब्वियसली कल्चर के बारे में कुछ बता रहे हो एंड दैट कल्चर के बारे में सी दैट अलाउस कल्चर सॉरी इट्स आई स्टार्ट लुकिंग एट कल्चर जो कि अलाउ करता है दैट अलाउज मैन टू थिंक एंड डू वॉट एवर दे प्लेस विदेन टू हर बॉडी माइंड थॉट्स और साइकिल ठीक है इसके बाद अब क्या लगाओगे न्यू लेफ्ट एंड बी इट मेड मी वॉन्ट टू डिग इन टू कल्चर टू गेट अ ग्रास्ट ऑफ मेन्स थिंकिंग प्रोसेस इवन वेन द लॉज मेड मोस्ट इंज इन इंडिया इट द नथिंग टू डेट अगेंस्ट वुमेन सो यहाँ पर यह तो कंक्लूजन लग रहा है ना भाई अभी हमने बोला आई स्टार्ट लुकिंग एट द कल्चर राइट आई स्टार्टड लुकिंग एट द कल्चर सो यहाँ पर क्या होगा इट मेड बी वॉन्ट टू डिग इन टू कल्चर टू गेट अ ग्रास्प ऑफ मेन्स थिंकिंग प्रोसेस अब हम बात करेंगे वाई बिकॉज वी हैव मैं अबाउट मैन इन ऑप्शन नंबर सी राइट एंड ऑप्शन नंबर डी में हमने बात करी थी किसकी कल्चर uh, की बारे में राइट right? सो कल्चर और मैन एंड कलेक्टिवली इन दोनों का कलेक्टिव एक स्टेटमेंट आ रहा है क्या ऑप्शन नंबर ए में इट मेड मी वॉन्ट टू डिग इन टू कल्चर टू गर ये इसने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचू इसके बारे में आ, समझना स्टार्ट करूँ बट वॉट मैन फील वॉट मैन थिंक अबाउट दिस एंड आगे बढ़ेंगे ई डी सी एंड लास्ट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी विच सेस इवन वेन द लॉज वो मेड मोस्ट एंजर इन इंडिया जब लॉज बना गए बनाए गए थे और लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए थे उसके बावजूद उसमें क्राइम विमेन के अगेंस्ट कम नहीं हुआ था सो so, ये ओल्ड पैटर्न था सीक्वेंस ई डी सी ए बी यू कैन ईजिली गेट दैट इफ यू एक्चुअली थिंक देखो मेरे को कोई बहुत बड़ा इसमें चीजें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है राइट मेरे को कोई बहुत रॉकेट uh, साइंस नहीं लगा रहे हैं इसमें हम बस ये समझ रहे हैं कि रीडिंग स्किल बेहतर है तो हम एक दूसरे के साथ सेंटेंस को कनेक्ट करते चले जा रहे हैं राइट चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट विल द लास्ट पैटर्न ये आखिरी पैटर्न होगा आपका एंड दैट विल बी देखो यहां पर बट लॉस डू हैव द यूटिलिटी वैल्यू दिस इज वर आई वॉज टॉकिंग अबाउट एरर डिटेक्शन के फॉर्मेट में आया और लोग एरर्स निकालने लग गए बट दिस एरर्स एरर्स ये ये पूछा इन पूछ पूछ ही नहीं रहा रहा था था आपसे कि सही सीक्वेंस क्या होगा बट बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड आउट एन ऑड सेंटेंस अब देखो यू हैव अगेन फाइव पार्ट्स इन द सेंटेंस राइट बट लॉस डू हैव सो बट से यू कैन स्टार्ट अ सेंटेंस ऑब्वियसली देन बी टू हीड द लाइन सो वेन यू राइट टू हीड और टू प्लस वी वन जब भी लगता है, purpose, right? ये करता है क्या करने के लिए ऐसा किया गया है देन ऑप्शन सी सेन ऑफ से यू के नॉट स्टार्ट सेंटेंस। ऑफ कर्बिंग ऑफ के बाद अगर नाउन दिया होता तो भी समझ जाता लेकिन ऑफ करबिंग द कर्बिंग यहाँ पर एक वर्ब है यू के नॉट राइट देन यू हैव टू इराडिकेट अगेन टू इराडिकेट अगेन टू प्लस वी वन है right? again, सो क्या कर रहे हो पहले वो तो बताओ तभी तो पर्पज डिफाइन करोगे देन मेयर लेजिस्लेशन इज नॉट इनफ सो दिस कैन बी डे बिकॉज मेयर इज एन ऑब्जेक्टिव एंड यू नो लेजिस्लेशन वाई बिकॉज इट एंड विद आई यू एन आई यू एन में एंड हो रहा है तो हर वर्ड जो आई यू एन में एंड होता है वो क्या होता है दैट्स नाउन सो कैन स्टार्ट अ सेंटेंस यूजिंग दिस बाकी से तो किसी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते बट वी कैन स्टार्ट अ सेंटेंस यूजिंग ई विच इज मेयर लेजिस्लेशन इज नॉट इनफ इनफ फॉर वॉट सिर्फ लेजिस्लेशन इनफ नहीं है क्या करने के लिए सिर्फ लेजिस्लेशन सिर्फ लॉज काफी नहीं है क्या करने के लिए इज नॉट इनफ फॉर वॉट इनफ टू हीड द लाइन बिटवीन रिलीजियस ट्रेडिशन एंड सुपर या इनफ ऑफ कर्बिंग द प्रेवलेंस ऑफ इन ह्यूमन रिचुअल एक्टिविटीज ऑब्वियसली सिर्फ लॉ लॉ किस लिए बनता है समथिंग विच इज बैड राइट जो चीज खराब है उस चीज को ओवरकम करने के लिए सो so खराब चीज किसमें दी गई है गिवन एन ऑप्शन नंबर सी जो चीज़ खराब है दैट इज गिवन इन ऑप्शन सेज ऑफ कर्विंग द प्रेविलेंस ऑफ इन ह्यूमन रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस जो इन ह्यूमन एक्टिविटीज लोग करते हैं कि बाबा हैं कोई आप चार आप लेट जाओ छः सात लोग मोटरसाइकिल चढ़ा देंगे आपके ऊपर या फिर आपके ऊपर चल के चले जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे ऐसा कुछ दीज आर ऑल इन ह्यूमन एक्टिविटीज तो इन सब को लेजिस्लेशन काफ़ी नहीं है इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए द प्रेवलेंस ऑफ इन ह्यूमन एक्टिविटी रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस बट बट उसके अब अगेंस्ट में बोलोगे ना काफी अकेले काफी नहीं इज नॉट इनफ बट लॉज डू हैव द यूटिलिटी वैल्यू लेकिन लॉज की अभी भी एक यूटिलिटी वैल्यू होती है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है भाई कोई अगर लॉ लगेगा ही नहीं तो तुम ज्यादा ही करोगे अगर कोई पता चला कि जेल चलाएंगे इससे ये चले जाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा फांसी की सजा हो सकती है तब आदमी कुछ तो सोचता है ना इसी वजह से कहते हैं कि बट लॉज डू हैव द यूटिलिटी वैल्यू ऐसे तो हर आदमी किसी को गोली मार देगा नहीं मारेगा क्यों क्योंकि उसको पता है मार नहीं पता चल गया तो हम निपट जाएंगे हम भी है ना सो इट देन विल अच्छा बट लॉस डू द यूटिलिटी वैल्यू क्या करने के लिए यूटिलिटी वैल्यू क्या करने के लिए टू इराडिकेट सुपरस्टिशन फ्रॉम सोसाइटी या फिर टू हीट द लाइन बिटवीन रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिस बताओ क्या करने के लिए रिलीजियस ट्रेडिशंस और सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज के या प्रैक्टिस के बीच में लाइन जो है उसको हीट करने के लिए या फिर टू इराडिकेटर सुपर सुपर स्टेशन फ्रॉम सोसाइटी इन दोनों में से एक ही चीज हो सकती है राइट right? इन दोनों से एक ही चीज हो सकती है एंड यू हैव टू डिफाइन कि वो सुपर स्टेशन हटाना चाहते हैं या फिर लॉज एक लाइन हीट करना चाहते हैं दो चीजों के बीच में से ठीक है अच्छा uh, और यू कैन से हीट जो वर्ड दिया हुआ है हीट का मतलब क्या होता है इट मीन टू पे अटेंशन टू सो वो अटेंशन पे कराना चाहता है ये रिलीजियस ट्रेडिशन और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस में एक बहुत पतली सी लाइन होती है उस लाइन का फ़र्क आपको समझना ज़रूरी है या फिर वो सुपरस्टिशन को सोसाइटी से हटाना चाहता है लॉज एंड रूल्स आर मेड टू इराडिकेट टू खत्म टू फिनिश समथिंग राइट है ना सो दे विल एंड सुपरस्टिशन फ्रॉम द सोसाइटी ऑप्शन नंबर डी का हम करेक्ट आंसर करेंगे क्यों क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिस में लोग लो बहुत कुछ बोलते हैं यार की uh, मूर्ति है वो पानी पी रही है या दूध पी रही है सो so, साइंटिफिकली अगर देखोगे तो वो एक रॉक होता है जो ऑब्जॉर्व करता है ठीक है एक्चुअली लिक्विड को बट अगर आप सोसाइटी uh, के टर्म्स पर देखोगे तो वो भगवान उसको ट्रीट करते हैं है ना सो इट्स नॉट दैट मेरे मेरा कोई किसी के इमोशंस को इफेक्ट करने का कोई अफेक्ट करने का को कोई मतलब नहीं है बट इट्स जिस दैट कि हाँ साइंस में चीज़ें अलग तरीके से ट्रीट करी जाती हैं और रियल लाइफ में चीज़ें अलग तरीके से ट्रीट करी जाती हैं सो so, ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन जो होगा बी विल बी दी ऑड सेंटेंस ठीक है इसी के साथ डी बी हमारा सेंटेंस बन जाएगा एंड द करेक्ट विल बी ई सी ए डी ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे सेम टाइमिंग टेन ओ क्लॉक पर और देखेंगे काफी सारे क्वेश्चन और जो कि न्यू पार्टमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे ठीक है बाय टेक केयर